दोस्त अभी घर धोआ रहा है। अरे क्या धो दोस्तों काजल कह रही है इधर खून चुहा है। चुहा है, दो तीन वो बूंदों देखो, का सा हाँ चुहा है। चुहा डर सा लगता है ब्लड अगर मिल जाए घर में, था ना। तो अब कैसा लग रहा है झाड़ू लगाने में? तो उसी टाइम से काजल साफ सफाई में लगे हुए अभी भी। करके अभी जैसे ये दिख रहा है ना, वैसे ही सारा घर दिखेगा। अभी कपड़ा वगैरह यहाँ पे रख रहे हैं वो। दोस्तों अभी इसका ये जो उखड़ गया ना, इसको जा रहे हैं हम अपने से करने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे एंड हम भी अच्छे हैं। एंड स्वागत है आप सभी का एक और न्यू प्यारा सा ब्लॉग में। ये कवर लेकर मानसी हेलो हेलो कर रही है। बोल दो हेलो, बोलो हेलो। नहीं आप बोलो हेलो, आप भी बोलो। आप बेटा, हाँ हो गया, आप भी बोलो। तो दोस्तों आज के हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए और बने रहेंगे उम्मीद है कि हमें, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। तो अभी खाना बन रहा है हमारे यहाँ, कद्दू और आलू का सब्जी। और बाकी आज सामान देखते हैं, शिफ्ट करेंगे हम। आज से हो सकता है बाहर में ना सोना पड़े, पूरा सर दर्द कर रहा है एकदम से। वहां जाके पेड़ के पास पता ना एक कवर लेके ऐसे हेलो हेलो कर रही है। बात कर लो बेटा, बात कर लो, हेलो बोलो। शर्मा आ गई है। और ये खटिया भी मांग के लाए थे हम लोग सोने के लिए। बाकी आइए दिखाते हैं अंदर से कैसा है। अभी सूख गया है सारा और ये देख सकते हैं कितना एकदम क्लीन हो गया पूरा। अब मतलब डर बिल्कुल भी नहीं है। और इसको हम अपने हाथों से ही कर देंगे क्योंकि इधर टाइम नहीं मिल पाया, रात हो गया था इस वजह से। तो चलिए आज सामान शिफ्ट करेंगे हम। अभी मतलब कि रात को ही हुआ था ना, तो उतना अभी थोड़ा डर है, बचा बचा के करना पड़ेगा। वैसे ही करेंगे बचा बचा के। बाकी काफ़ी बढ़िया हो गया। किचन को हम अपने हाथों से बना लेंगे क्योंकि इतने के लिए मिस्त्री लगाना अच्छा नहीं है, है ना। बने रही है, अरे बाप रे, कुतुल खाना बना रही है, कद्दू का सब्जी। तो अभी हम ये लोग कौन सामान है? रखने जा रहे हैं ये अंदर। अभी तो नमी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कैसे भी रख ले रहे हैं। एकदम पूरा थक चुके हैं, एकदम बाहर बैठे बैठे पूरा दिन खड़े रह रहे हैं और रात में भी ढंग से नींद नहीं आ रहा। वैसे भी शीत गिर रहा, शीत मतलब समझ रहे ना, पानी जो ऊपर से आता है, हाँ वो गिर रहा था। इतना सर में दर्द हो जा रहा है। अभी नहाएंगे थोड़ी देर में। उससे पहले पहले सारा सामान रखते हैं अंदर। और इस बार जो रखेंगे ना एकदम क्लियर, मतलब क्लीनिंग तरीके से, है ना। काट के लेंगे रजाई दोस्तों, चूहा काट के लेके चल गए हैं आधा। मतलब कि बिल्कुल भी कचरा ना लगे घर में, है ना। जो सामान अगर जो एक्स्ट्रा होगा ना उसको कहीं और शिफ्ट। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा चूहा, रजाई ने चूहा काट दिया। रजाई ने चूहा नहीं काट दिया, चूहा ने रजाई काट दिया। तो चलिए सबसे पहले ले चलते, क्या ले चलते, चौकी। सबसे पहले चौकी उठाएंगे, फिर रखेंगे बॉक्स, उसके बाद अलमीरा, है ना। ये है बीसेफ 500 DT, बाइसेफ, बाइसेफ लिखा, पता नहीं कौन सा टेबलेट है। दोस्तों इसको काफी प्रॉब्लम के बाद रख दिए हैं, अभी अच्छे से नहीं रख पाए, उधर जाना पड़ेगा, नहीं तो करेक्ट नहीं हो पाया है। पैरों से पहले अपना फेंक दिया है, थोड़ा थोड़ा तो खून चाहिए जाएगा क्योंकि रात के हुआ और व्हाइट वाला बालू है। और सेट करना भी जरूरी है क्योंकि देखा नहीं जा रहा है, जैसे सारा बेड और सारा सामान इधर से उधर फैला है। हटो बेटा हटो, ठीक बोले सर। बस हो गया है, अब तो उठाओ तो नहीं, हम रूम उठाए इधर क्या हो रहा करते हैं। देखिए क्या फूट गया, हटो बेटा, हाँ टूट गया, उठाई रहो चौकी हम रख देता नहीं। सो दोस्तों अभी बाकस और ये चौकी बाकस दोनों आ गए, काफी मुशक्कत के बाद। तो यही वाला कपड़ा भी बिछाएंगे, सेट कैसे भी करेंगे, बहुत काम है, धीरे धीरे सारा धो धो के सेट करेंगे क्योंकि ठंडी का भी मौसम आ गया, सारा गंदा भी हो गया, तो ठंडी में कैसे सूख पाएगा। तो चलिए इसको बिछा देते हैं इसके ऊपर और मांच को देखो, मतलब जाके तो नहीं अच्छा गाड़ी अपना बेड पर सुतल वाड़ी तक और एक एक ईंटे पर रखे, इसको दो ईंटे पर रखे, आगे इसको एक एक ईंटे पर वहाँ होती होगी। इसको बिछा दिए है ना ताकि खरोच वगैरह नहीं आएगा, सामान आता रहेगा। तो अभी अलमीरा भी घुसा दिए हैं, बेड भी और बाकस भी, बॉक्स बोल सकते हैं। देख सकते हैं इधर तो बहुत ज़्यादा ये उखाड़ दिया है क्योंकि वजन है, इसमें सामान सही तक घुसाए थे ना,
तो इसको अभी थोड़ा सा लेवल में सब मसाला वसाला है हमारे पास, और वो भी है सीमेंट भी है, तो इसको अभी अच्छे से कर देंगे। बाकी अभी बेड वेड लगा दिए हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस अब कितना मस्त लग रहा है ना, एकदम क्लीन। इससे ज़्यादा सामान इसमें रखना ही नहीं है, ये सब घर वाला सामान, ये सीमेंट है इधर, ये है। बाकी इस सबको भी सफाई करना है आंगन को काफ़ी अच्छे तरीके से। एक बॉक्स है जो अलमीरा के ऊपर आ जाएगा, पानी बोतल यहाँ पे है, और खाने पीने का सामान जो है अंदर रख देंगे, बाकी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, प्रेशर मार के धोएंगे ना, तो सारा पानी निकल के अपने आप इधर चला जाएगा। तो ये काफ़ी बेटर लगा कि हर दिन डेली धोते रहेंगे ना, अब रवि काफ़ी अच्छा है। अभी कपड़ा वगैरह यहाँ पे रख रहे हैं, वो बिस्तर वगैरह। दोस्तों अभी इसका ये जो उखड़ गया ना, इसको जा रहे हैं हम अपने से करने, है ना मानसी? अब अच्छा लग रहा है, बोलो तैतियो आओ कजल। तो चलिए इसको पहले थोड़ा थोड़ा पानी दे के अच्छे से बराबर कर देते हैं, फिर ऊपर से घोला दे देंगे। तो बहुत सारा टूट गया था तो अलमारी के पास के, तो एकदम ठीक कर दे। अब काम मिला हुआ हो गया सब, थोड़ा थोड़ा जगह जगह चुहा के बंद कर दे, और इधर हमने टीवी भी लगा दिया, सारा कुछ फिट कर दिया। अभी बहुत सी ऐसी चीजें घर में लाना है, तो साफ सुथरा उसे लगभग झाड़ झोल दे रहे सारे बुफर के ऊपर झाड़ दिया था, और उस होल को बंद नहीं किए दोस्तों, अभी बंद करवाते हैं मनसुख पापा से। लेलेन लेले बापू, मन करे कब बेड पे लेट जाए, लेकिन गोड़ हाथ नहीं धोए दोस्तों मेरे दरवाजे पर। ओजी का करे, मु तो खोली तो और ये थी कुछ टाई मेरे पापा उसा मम्मी मेरे पापा हम आपके पापा है। तो दोस्तों आइए आपको फाइनल लुक दिखाते हैं हम अपने घर का। तो चलिए बैक कैमरा ऑन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, और आप लोग बताइएगा अब कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे जो मतलब कि वो हो गया उखड़ गया था ना वो वाला, मैंने देखो कितनी सफाई से कर दिया है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और ये वाला यहाँ पे ढलान के पास नहीं था तो ऐसे मैंने कर दिया। बाकी आप देखिए हमारा घर का फाइनल लुक। मानसी सो गई आज बेड पे, सोई है बाद में, दो तीन दिन बाद मानसी सो गई। और हाँ, और आप लोग बताइएगा कि अब कितना क्लीन दिख रहा है ना एकदम। अभी तो उतना ऊपर का क्लीन नहीं किया है, धीरे धीरे करेंगे, ऊपर का भी सब करेंगे अभी। अभी तो बस ओनली ये बेड और बाकस अलमीरा रखे हैं, बाकी ये सब इतना अच्छा से करेंगे ना, पोंछ पाछ करके अभी जैसे ये दिख रहा है ना वैसे ही सारा घर दिखेगा अब, क्योंकि हमें भी अजीब सा लग रहा था। और अब कोई खतरा नहीं है, नीचे से तो कोई खतरा नहीं, बाकी इधर से है जो इधर का भी हम लोग पैक कर देंगे। धीरे धीरे ये सब होता है, एक एकदम से नहीं होता, पहले हम सोचे कि पहले सोने का व्यवस्था बनाए ढंग से, है ना। हाँ कर देते हैं, ये देख सकते हैं ये दीवार में क्रेक आ चुका है यहाँ पे, इसको भी थोड़ा थोड़ा करके मार देंगे, क्योंकि इधर वाला ना, इधर वाला दीवार थोड़ा सा डाउन गया है नीचे। पानी की वजह से तो दरवाजा नहीं लगता है इसका, तो इसको भी भर देंगे। कुछ दिन काटने हैं इसमें, तो इसको पहले सही करना पड़ेगा ना। और बाकी आप लोग देख सकते हैं अब नीचे में भी हम लोग बैठ कर आराम से कुछ भी कर सकते हैं, खा सकते हैं, अपना नीचे में खेल सकते हैं ना, मानसी भी खेलेगी इसमें, मिट्टी उट्टी नहीं लगा। और डेली डेली धोएंगे इसको, धोएंगे कि पोछा लगेगा, पोछवा हाथवा जाइए हो बकासवा के नीचे वहाँ होकरा नीचे वो जल लेके। अच्छा एक बात बता, हाथ वाला पैबू अपन भाई कहाँ ले जाता था, इतना जाता अभी तो बैठे में तो नहीं उड़ने उड़ना पोछा नहीं का पहला, अब धो दे देते का वजह, धोने से उतना साफ नहीं होता दोस्तों। ऐसे पाइप लेके प्रेशर मारेंगे फिर हम ना रहम तो रहब करम, तू रहबू तब हम करम टाइम। हम सोचेंगे इधर से पानी मारेंगे, इसलिए बनवाए हैं इधर से ताकि पानी निकल के बाहर जाएगा ये देखना चाहते हैं, बट अभी पानी नहीं मारेंगे, अभी नमी है थोड़ा थोड़ा, है ना, कल के बाद से मारेंगे पानी। तो अभी सारा ये मसाला वाला डिब्बा है ना, गैस सिलेंडर चूल्हा सब पोंछ देंगे इसको, इधर भी पोंछा मार देंगे, गेट भी दरवाज़ा भी पोंछना है। तब तक हम चल रहे हैं अभी वीडियो एडिट कर रहे हैं, जो आप कल देखे थे वही एडिट करने चल रहे हैं। तो उसी टाइम से काजल साफ सफाई में लगे हुए, अभी भी गेट पोंछ रही है, ऊपर से नीचे का भी पोंछ रही है अभी, इधर बर्त ये सब डिब्बा ढकने जो भी है अलमीरा वगैरह सब साफ कर दिए काजल अभी पोंछ पोंछ के। बाकी ऐसे में कितना सुंदर लग रहा है घर, लेकिन उधर ही ना उठांग से तो उधर धे से रहे। दोस्तों काजल कह रही है इधर खून चुहा हुआ, किचन साफ कर रही थी तो मिला चुहा है, दो तीन वो देखो, हाँ चुहा है, चुहा हुआ खाया, देखो था। हाँ
मुझे लग रहा है इधर तो चूहा वहा मरा होगा ना, उसी का ब्लड। डर सा लगता है ब्लड अगर मिल जाए घर में, था ना। मार के खाया है उसको। अब ना दोस्तों हमको भी दर्द चला गया है, रोज डेली डेली सांप सांप देखते थे। अभी ये निकाल दें सारा सब्जी वब्जी है ना, इस पे हटा के उस पे कर देंगे, उस पे सही रहेगा, है ना। जितना सब्जी नहीं खाएंगे जान ही खत्म हो जाएगा हमारा। और ये तिरपाल भी हटा देंगे। हाँ पूरा खुला, तो ठंड का मौसम है तो खुला रहेगा ऊपर से, है ना। बाकी अभी देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से सफाई चालू है। दोस्तों फाइनली हम नहा लिए हैं, और इधर का मिट्टी जो ईंट हम निकाले थे ना, वो वाला ईंट हम अंदर लगाए थे, तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। तो वहाँ पे मिट्टी जमा हो गया था, तो उसको तो मैंने बराबर कर दिया है, बट ये थोड़ा थोड़ा करके पानी मार के और एक दो बार लिप देंगे ना तो हो जाएगा ये सही, है ना। बाकी अभी झाड़ू लगाई है, पर हवा चल रहा है इतना तेज ना, आप लोग देख सकते हैं पूरा हवा चल रहा है। पर्दा देखिए कहाँ जा रहा है, तो इस वजह से हवा की वजह से ना पूरा ये कचरा आ जा रहा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं काजल झाड़ू लगा रही है। मानसी क्या कर रही हो बेटा, क्या कर रही हो? मानसी कचरा कह रही है, कचरा उठाओ बेटा, छोड़ दो मम्मी कर रही है। तो अभी मानसी के लिए लाना है दूध, मानसी उसी टाइम से कह रही है। और मेरा ना ये वाला जो प्रॉब्लम था ना वो फिर से हो गया है, देख सकते हैं काला काला सा हो जा रहा है तुरंत। अभी ठंडे में ही ज्यादातर होता है, गर्मी में कहाँ हो रहा था। हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मम्मी को दे दे। मानसी भी ले जा रही है। तो धीरे धीरे आंगन भी कर देंगे हम सही से, अभी किचन भी करना है, किचन भी करेंगे। बट दो तीन दिन से हारे थके हैं इसलिए आज नहीं कर पाए, आज बस शिफ्ट किए हैं उसमें, ठीक है। बेटा मम्मी का कितना हेल्प कराती हो ना, लेलन फेंको, छोड़ दो बेटा छोड़ दो, आओ चलो नहला नहला दें आपको। नहाओगी ना, शैम्पू कर लो। बाकी हमारा घर काफी प्यारा हो गया है देख सकते हैं ऐसे, मतलब पानी अगर अब बारिश भी होगा ना तो बारिश का भी पानी जाएगा तो वो सीधे चला जाएगा उधर, क्योंकि इधर रुकेगा ही नहीं, इधर ऊंच है इधर खाल है, ये बीच है भी। बारिश में भी काफी ज्यादा झेले हैं मुश्किलें हम, तो ये चीज हमें उसी टाइम करवाना था लेकिन अब करवाए हैं जाके। हाँ हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे, और आज लग रहा है बहुत ज्यादा ठंड, इसलिए मैं कपड़ा जैकेट वगैरह सब पहन लिए हैं। काजल भी शॉल ओढ़ ली है, लेकिन एक गंदी आदत देखो मानसी का, ये उठ के खड़ी हो गई है और रो रही है उतरने के लिए, कह रहे हैं बेटा ठंड लग रहा है नीचे में, जमीन बहुत पड़ा है और ये नीचे का फर्श जो है हमारा ठंडा ठंडा है। बेटा इसी पे जाओ कंबल में सो जाओ घुस के, हाँ, और पापा के पापी दो। बापरी बापरी नाराज हो, अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं, हम जा रहे, जब आप सो जाओ वहीं पर आओगी पापा को दे आओगी। बापो बापो, तो अब कैसा लग रहा है झाड़ू लगाने में, अच्छा लग रहा है, पूरा स्लेम है ना, टोए टोए बाहर रही, अरे अरे अरे। काफी मस्त हो गया, अब गाड़ी भी अंदर लाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खाल था ना, इससे 3 गुना ज्यादा था, तो एकदम से भड़ाक से गिरता था इस पे आके, है ना, और निकालने में तो हालत खराब। अभी एकदम आसानी से अकेले ही निकल जा रहा हूँ। मानसी सुबह सुबह रेड सूज पहन के मेरे को पीछे पीछे पड़ी है मेरे। दोस्त अभी घर धोआ रहा है, अरे के धो लो कजल, वाओ पाला लगा था कजल, कुतुल कैसे धोई हो, रोज लिया हमने ना खा लो ऐसे ना लेने। चर चर ये ना बाल झरो तो क्या झरो, कल बाल झरो तक कदन। अति प्यारा मौसम हो, एकदम धूप निकला है, अच्छा लग रहा धूप है ना, यही गर्मी में अच्छा नहीं। हाँ यहाँ टी शर्ट हो कहाँ हाल खोलोगे, तो अभी काजल रेडी हो गई है, हम कहीं जाने वाले हैं, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, वो एक सरप्राइज है, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये कुर्ता जो हम उस दिन खरीदे थे, दिखाए थे साइज, दो दो समय दिया था कि ढाई ढाई, काफी प्यारा लग रहा है।
तो दोस्तों चलिए आप लोग पिछले ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए इस ब्लॉग में हम लेना चाहेंगे आप लोगों से विदा। एंड अभी तक कि आप लोगों ने हमारा ब्लॉग वीडियो अभी तक देखा उसके लिए आप सभी को तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों में से। हाँ, लाइक कर दीजिए, कल वाला वीडियो पे हमारा दिल खुश हो गया, इतना लाइक आया ना, करीब 9000 करीब लाइक्स आए और पिछले वीडियो पे 2000 1000 3000 इतना ही लाइक्स था। तो इस वीडियो पे भी उम्मीद है कि आप लोग लाइक बढ़ा देंगे, कल वाले वीडियो करीब करीब ही पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। एक बार और बोल दो, शूज कहाँ लेके जा रही हो? शूज लेके दौड़त रहेली, शूज अपना लेके ही घूमती है, ठीक है पहन लो।